गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल, और फिलहाल मैं आया हूं एग्जाम देने के लिए। एक्चुअली जब हम 2014 में लोको पायलट हम मुजफ्फरपुर निकाले थे, तो उसके बाद हम उसको छोड़ देते, लेकिन इस बार फिर से मैं एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों के लिए मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है एक्चुअली इसका क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली हम इसमें सोच रहे थे कि मेरा ये एग्ज़ाम स्टार्टिंग में होना चाहिए था, लेकिन मैं स्टार्टिंग में मेरे को कुछ फ़ायदा होता, आप लोग कुछ फ़ायदा होता, लेकिन मेरा एग्ज़ाम जो है वो आज अंतिम डेट है, यानी 31 है, और 31 का सबसे अंतिम में एग्ज़ाम होगा मेरा। तो इस तरह से तो देखते हैं अंदाजा क्या होता है, बाद में की चीज़ तो आप लोगों को पता चल गया होगा। और नॉर्मली जैसे कि आपको जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम में, ये मैंने जो अभी का एक्सपीरियंस रही, आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ से हम आपको बताएंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको कैसा रहेगा। प्लस में ये एक्चुअली इस वीडियो का कुछ मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि ये तो हम एक्चुअली ये एग्ज़ाम तो बिल्कुल लास्ट है, वैसे नॉर्मल चीज़ जितना भी चीज़ है सब चीज़ आपको हम बता चुके हैं। तो बस चलिए इसको हम शुरू करते हैं अंदर में, और क्या सब होता है मैं आपको बताता हूँ अंतिम में जाकर। एक्चुअली मैं जब इसका जो डेट निकला था, तो हम सोचे मेरा जो स्टार्टिंग में होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन लास्टिंग में देखिए क्या कुछ होता है। और थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद। ये आपको हम आए हूँ जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट जितना भी है सबका, बिहार का वो सबका सब इसी में आता है। काफ़ी बड़ा सा कॉलेज है, अभी वहाँ पे स्टूडेंट लोग इंट्री के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके थैंक यू। तो फाइनली हम निकल चुके हैं एग्ज़ाम देने के बाद, और यहाँ से, और हमने 72 अटैम्प्ट लिया है, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ को मैंने लिया था, कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कैसे इसको एग्ज़ाम में देना है, इसके बारे में एक फुल वीडियो मैं आप लोगों को बना के बता दूंगा। और काफ़ी अच्छा रहा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, यानी कि ये सबसे लास्ट दिन ही था, लास्ट शिफ्ट ही था जिसमें मेरा था, और एक्चुअली हमको करना नहीं था, तो हम यहाँ पर आए थे सिर्फ और सिर्फ यानी एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस होगा, इसमें हमने बहुत सारे चीज़ का यानी कि जानकारी लिया, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, और आप लोग को मैं बता दूँगा कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, यानी कि कैसे स्टूडेंट सोचता है और कैसे किसी के मन को वो घुमा देता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, हम फिर से मिलते हैं आपको एक फ्रेश वीडियो में, जो कि हम DSLR से शूटिंग करेंगे। एक्चुअली अभी हम 24 घंटे से बिल्कुल ट्रैवल में ही थे, तो इसलिए मेरा शक्ल वगैरह सब कुछ बेकार, लेकिन एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया मेरा। एक्चुअली हमको इस एग्ज़ाम से कोई लोभ ही नहीं है, बस रिजल्ट तो 110% कन्फर्म आएगा ही आएगा मेरा। तो थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।